विद्यार्थियों को सुप्रभातम। सेकंड फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 चल रहा है भाई, किरण प्रकाश की पढ़ रहे हैं आप कंटिन्यू। तो कंटिन्यूटी बनाए रखें भाई, साथ साथ कंटिन्यूटी बना के रखोगे तभी ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। क्लियर है, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं। तो किरण प्रकाश की में अपने दर्पण के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया, दर्पण के किस प्रकार से परावर्तन था, गोलीय ग्लास से अपवर्तन था, सभी पढ़ लिए अपन ने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सब कुछ। आज नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है लेंस। तो आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा लेंस होगा, ठीक है। तो आज का अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लेंस। लेंस क्या है, सिंपल सा इसकी डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि दो वक्रीय पृष्ठ, या फिर या तो दोनों पृष्ठ कैसे होंगे वक्रीय, या फिर एक समतल व एक वक्र पृष्ठ, इस प्रकार से इनसे घिरा हुआ एक समांगी और पारदर्शी माध्यम, उसी को अपन क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। जैसे कि दो वक्रीय मीन्स ये वक्रीय देखो, और इनसे घिरा हुआ ये जो समांगी और पारदर्शी माध्यम है, तो ये व्यवस्था बनी, इसी को लेंस कहेंगे। या एक समतल और एक वक्र, तो ये भी कैसा होगा, लेंस होगा। तो बड़ी सिंपल परिभाषा है कि दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र व एक समतल अपवर्तक फलकों या पृष्ठों के मध्य घिरे हुए समांगी एवं, ये वर्ड याद रखना है, समांगी एवं, समांगी का मीन्स समान रूप से वितरित है, उसमें वो समान प्रकार का पदार्थ है, और पारदर्शी जिसमें आर पार आप देख सकते हैं, पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। क्लियर है, तो लेंस की डेफिनेशन समझ में आई। ये लेंस या तो गोलीय हो सकते हैं या फिर बेलनाकार हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, बेलनाकार या फिर परवलयाकार भी हो सकते हैं, परवलयाकार भी हो सकते हैं, परवलयाकार, ठीक है। तो इस प्रकार से गोली बेलनाकार और परवलयाकार हो सकते हैं। ये तो हुआ लेंस। अब ये लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ये तो होता है कॉन्वेक्स और ये होता है कॉनकेव। तो उत्तल और अवतल देखो, उत्तल कौन सा होगा, फर्स्ट अपन उत्तल की बात करें तो वह लेंस जिसके जो किनारों से पतला और मध्य भाग से मोटा होता है, जो किनारों से पतला और मध्य भाग से मोटा होता है वो क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। जैसे ये आपके सामने देखो दर्शाया हुआ है, देखो किनारों से पतला है और मध्य भाग से मोटा है, यही क्या है, उत्तल लेंस है, ठीक है। ये जो उत्तल लेंस है, जैसे मैं यहां पे बनाऊं ये उत्तल लेंस, तो इस पर कोई समांतर आपतित किरणें हो प्रकाश की, तो यह उनको एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, मुख्य अक्ष की ओर मोड़कर एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इस बिंदु पी पर। क्लियर है, इसलिए इस लेंस का नाम अभिसारी लेंस भी होता है। क्या होता है, अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस जो है वो किरणों को एक बिंदु की तरफ मोड़ देता है, या अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की तरफ मोड़ देता है, केंद्रित कर देता है, केंद्रित कर देगा तो यहां पर फोकस बनेगा इसका, ठीक है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है अवतल लेंस। अवतल कौन सा होगा, वह लेंस जो मध्य भाग से पतला और किनारों से मोटा होता है, मध्य भाग से पतला और किनारों से मोटा होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल। देख सकते हो आप, मध्य भाग से देखो पतला है, किनारों से मोटा है, इसे अवतल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस जो है
इस पर अगर आप प्रकाश किरणें आपतित करवाएं तो यह मुख्य अक्ष से दूर हटा देता है। जैसे यह ऐसी जा रही थी तो यह मुख्य अक्ष थी, इस मुख्य अक्ष से ये कहाँ चली जाएंगी, दूर। मीन्स ये किरणों का क्या कर देता है, प्रसार कर देता है। इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी। तो इनके दो दो नाम हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। उत्तल को अभिसारी ये केंद्रित करता है और अवतल को अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्लियर है। अब ये एक लेंस वो भी तीन प्रकार का होता है। जैसे जो उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस स्वयं भी तीन प्रकार का होता है। देखो उत्तल लेंस जो है वो तीन प्रकार का होता है। पहला उभयोत्तल, उभयोत्तल लेंस, उभय प्लस उत्तल, ऐसे बनाइए। तो उभय मीन्स दो, उभयनिष्ठ, ठीक है, मीन्स उभय का मीन्स दो है। तो यहां पे दोनों ही पृष्ठ अगर उसके उत्तल हो तो ऐसा लेंस उभयोत्तल लेंस कहलाएगा। वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हो, उत्तल हो। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, दोनों ही देखो उभरे हुए भाग हैं, उत्तल हैं, तो ये क्या कहलाएगा, उभयोत्तल लेंस। इसकी वक्रता त्रिज्याएं समान हो सकती हैं, भिन्न भिन्न हो सकती हैं, ठीक है। अगर दोनों की वक्रता त्रिज्याएं समान है तो इसको दूसरा नाम दे सकते हैं, समोत्तल लेंस। लेकिन कब, जब दोनों की वक्रता त्रिज्याएं क्या हो, बराबर हो, तब उभयोत्तल को कहोगे समोत्तल लेंस। क्लियर है। दूसरा इसका जो पार्ट है वो है समतलोत्तल, समतलोत्तल, समतल प्लस उत्तल, ठीक है। तो एक पृष्ठ होगा, प्रथम पृष्ठ होगा कैसा, समतल, और दूसरा पृष्ठ कैसा होगा, उत्तल। ऐसा लेंस क्या कहलाता है, समतलोत्तल लेंस कहलाता है। क्लियर है। और इसमें समतल पृष्ठ जो होता है उसकी वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटी होती है। अगर ये R1 है, ये R2 है, तो R1 इसकी वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, इन्फिनिटी होगी। तो समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अपने को पता है इन्फिनिटी होती है। थर्ड अवतलोतल, अवतलोतल मीन्स अवतल प्लस उत्तल, अवतल प्लस उत्तल। तो एक पृष्ठ होगा अवतल वाला, तो ये तो हो गया एक पृष्ठ अवतल का, और दूसरा पृष्ठ होगा उत्तल का, ये भी ऐसा ही। तो ऐसा जो लेंस होता है वो क्या होगा, अवतलोतल। देखो अवतल उत्तल, अवतलोतल लेंस होगा, ठीक है। इनकी वक्रता त्रिज्या भिन्न भिन्न हो सकती है। क्लियर है। तो ये अवतलोतल, तो उत्तल भी तीन प्रकार का। ठीक उसी प्रकार से जो अवतल लेंस होता है वो अवतल लेंस भी तीन प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट है अवतल, अवतल मैंने बता दिया जो मध्य भाग से पतला, किनारों से मोटा, ये भी तीन प्रकार का होगा। कौन कौन सा होगा तीन प्रकार का, पहला उभयावतल, उसी प्रकार से नाम है उभयावतल, उभय प्लस अवतल, ठीक है। उभयावतल मीन्स दोनों ही पृष्ठ कैसे होंगे, अवतल होंगे। दोनों ही पृष्ठ अवतल होंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। देख सकते हो आप दोनों ही पृष्ठ कैसे हैं, उत्तल, तो ये क्या कहलाता है, उभयावतल। इनकी वक्रता त्रिज्या समान हो सकती हैं या भिन्न भिन्न हो सकती हैं। लेकिन अगर समान हैं, यदि R1 बराबर किसके है, R2 के, तो उस स्थिति में आप इसी लेंस को क्या कहोगे, समावतल। क्या कहोगे, समावतल लेंस। ये कुछ इंट्रोडक्शन है लेंस के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। दूसरा समतलोतल था, उसी के अनुसार है समतलावतल, समतलावतल, समतलावतल लेंस। तो समतलावतल कौन सा होगा, जिसमें प्रथम पृष्ठ समतल और दूसरा अवतल हो। तो पहला समतल और दूसरा अवतल पृष्ठ हो, ऐसा क्या कहलाएगा, समतलावतल। क्लियर है। इसमें फिर से समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। क्लियर है। थर्ड कौन सा, उत्तलावतल, उत्तलावतल। तो उत्तलावतल लेंस नाम से फिर पता चल रहा है उत्तल व अवतल। तो पहला पृष्ठ क्या होगा, पहला पृष्ठ होगा उत्तल। तो देखो पहला पृष्ठ उत्तल कैसे बनेगा, ऐसे, और दूसरा अवतल कैसे बनेगा, इस प्रकार से। देखिए आप
ठीक है, ये ऐसा लेंस क्या कहलाएगा? देख सकते हैं आप, पहला उत्तल और दूसरा अवतल बनता है, ठीक है। तो ऐसा लेंस क्या कहलाएगा? उत्तलावतल लेंस। इसकी वक्रता त्रिज्याएं डिफरेंट होगी। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था लेंस से संबंधित। लेंस किसे कहते हैं? दो प्रकार का, फिर वो दो प्रकार भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से कुछ इंट्रोडक्शन था। क्लियर है, बात समझ में आई सभी को? ठीक है, अब इससे कुछ रिलेटेड जो परिभाषाएं हैं उनकी अगर अपन चर्चा करें तो देखो, नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा परिभाषाएं। कुछ इंट्रोडक्शन ही बता रहे हैं अपन आज इसका, लेंस का। तो नेक्स्ट कुछ परिभाषाओं में सबसे पहले आती है मुख्य अक्ष। सबसे पहले डेफिनेशन क्या आएगी? मुख्य अक्ष। क्या होगी मुख्य अक्ष? सिंपल सी है कि दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे कि मान लो, ये उत्तल की बात कर रहा हूं मैं, ये मान लो एक लेंस था उत्तल, तो इसका इस वाले का वक्रता केंद्र इधर होगा, ये रहा, इस वाले का वक्रता केंद्र इधर होगा, तो दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये क्या बनती है? ये बनती है मुख्य अक्ष। क्लियर हुआ? तो दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर आप कहें कि यदि एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा पृष्ठ उत्तल या अवतल हो, तो समतल का तो वक्रता केंद्र ही नहीं होगा, तो फिर क्या कहें? तो समतल का वक्रता केंद्र नहीं है, तो उस स्थिति में इस गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र से समतल पृष्ठ पर लंबवत खींची गई रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। तो इस स्थिति में डेफिनेशन क्या बनती है कि यदि एक पृष्ठ समतल हो तो गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र से समतल पृष्ठ पर खींची गई लंबवत रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। तो इसके वक्रता केंद्र से, ये यहां पे वक्रता केंद्र है, इससे मैंने यहां लंबवत रेखा खींच दी इस पर, तो यह क्या कहलाएगी? फिर मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्लियर हुआ मुख्य अक्ष क्या होती है? ठीक है, नेक्स्ट पतला लेंस आगे काम आएगा। ये नेक्स्ट डेफिनेशन है पतला लेंस। नाम से पता चल रहा है देखो कि वह लेंस जिसकी मोटाई उसकी वक्रीय पृष्ठों की त्रिज्याओं, या जिसकी मोटाई उसकी वक्रीय त्रिज्याओं की तुलना में नगण्य हो। वक्रीय त्रिज्या मीन्स देखो, जितना सीधा होगा उसकी वक्रीय त्रिज्या उतनी ही ज्यादा होगी। देखो मैं यहां पे एग्जांपल बता रहा हूं, एक तो ये है, ठीक है, एक ये है, इसकी वक्रता त्रिज्या इसकी तुलना में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी तो ये बिल्कुल सीधा सा रहेगा। तो एक तो ये है लेंस, दोनों बना रहा हूं मैं, ये है और एक लेंस ये है, देखो ये है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा है तो उसकी तुलना में देखो इसकी मोटाई कम है, तो ये पतला लेंस कहलाता है। क्लियर है? तो वह लेंस जिसकी मोटाई उसकी वक्रीय त्रिज्याओं की तुलना में, वक्रीय पृष्ठों की त्रिज्याओं की तुलना में क्या हो? नगण्य हो या बहुत कम हो, उससे अपन क्या कहेंगे? पतला लेंस। ये पतला नहीं है, ठीक है, ये पतला होगा। नेक्स्ट है प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट होगी डेफिनेशन प्रकाशिक केंद्र, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो प्रकाशिक केंद्र, पहली बात तो लेंस के आंतरिक भाग में स्थित हो सकता है या बाहर भी स्थित हो सकता है, ठीक है। तो लेंस के अंदर या बाहर मुख्य अक्ष पर, लेंस के अंदर या बाहर मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जो लेंस की मोटाई को उसकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित करे, जो लेंस की मोटाई को उसकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित, मतलब जितनी उसकी वक्रता त्रिज्याएं हैं उसके अनुपात में उसकी मोटाई को विभाजित कर दे, मीन्स ज्यादा है तो कम वाले, ज्यादा वाले की तरफ और कम है तो कम वाले की, इस प्रकार से हो, तो ऐसे बिंदु को अपन क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बता सकते हो आप कि जैसे देखो, मान लो कि यही है अपने पास लेंस, ठीक है, और ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, तो ये प्रकाशिक केंद्र को ओ से लिखते हैं,
तो यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण यहां पे इससे गुजरे, तो गुजरने के बाद ऐसे गुजरे, मान लो यहां टकराई और टकराकर यहां गुजरी, तो गुजरने के बाद वो आपतित किरण के क्या हो जाए, समांतर हो जाए। तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु स्थित, वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अपनी प्रारंभिक दिशा के समांतर हो जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, उस बिंदु क्या कहते हैं, प्रकाशी केंद्र। तो दो प्रकार से डिफाइन आप इसको कर सकते हो, क्लियर है, ठीक है। तो ये जो प्रकाशी केंद्र है, ये इसको क्या करेगा, दो भागों में विभाजित करेगा। तो जैसे मान लो कि ये इसका ध्रुव है P1 और ये इसका ध्रुव है P2, ठीक है, ध्रुव P1 P2 है, तो उस स्थिति में ये मोटाई इसकी OP1 और ये इसका OP2, ये मोटाई होगी दोनों की, इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, उनकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में। इसकी वक्रता त्रिज्या आर1 है तो इसके अनुपात में इसको ये वाली दूरी मिलेगी, और इसकी वक्रता त्रिज्या R2 है तो इसके अनुपात में इसको ये वाली दूरी मिलेगी, क्लियर है। तो ये उत्तल के लिए, अवतल के लिए भी कुछ इसी प्रकार से होता है, जैसे ये मैंने बना दिया, तो ये मुख्य अक्ष, तो ये वाला हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र, क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये कि प्रकाशिक केंद्र पर आपतित प्रकाश किरण बिना विचलित हुए अपवर्तित हो जाती है। देखो यहां से ये इंट्रू हुई ना, उसी डायरेक्शन में ये डायरेक्ट यहां निकल गई, या फिर मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, यहां पे अगर दर्शाऊं तो अगर प्रकाशिक अक्ष पर, सॉरी प्रकाशिक केंद्र पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, तो ये बिना अपवर्तन की या बिना विचलित हुए ऐसे निकल जाती है, अपवर्तित हो जाती है, क्लियर है। ये होगा प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट है लेंस का फोकस। लेंस का फोकस, ठीक है, लेंस के दो फोकस होते हैं। पहला प्रथम फोकस अपन बात करें, प्रथम फोकस देखो मुख्य अक्ष पर होगा ये बिंदु भी, तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से चलने वाली किरणें अपवर्तन, या जहां से निकलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वही फोकस बिंदु के अनुसार है कि वह बिंदु जिससे निर्गत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, या फिर ये कहें कि जिससे आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं, सॉरी प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये मेरे पास में लेंस था और ये वो बिंदु है, अभी यहां से कोई प्रकाश किरण निकलकर इस पर आपतित हुई, तो ये अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, इससे समांतर हो जाएगी, तो ये वाला फोकस हो जाएगा प्रथम फोकस, इसे F1 से लिखेंगे अपन, ठीक है। दूसरा होगा द्वितीय फोकस, क्या होगा द्वितीय फोकस, क्या होगा द्वितीय फोकस, कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, या फिर कहूं कि प्रकाशिक अक्ष से, प्रकाशिक ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती हैं, या जिस बिंदु पर मिलती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं, क्लियर है। तो ये जैसे कि मान लो इस प्रकार से था, ये लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, देखो ये मिल रही हैं, या मिलती हुई भी प्रतीत होती हैं, तो उसको कहते हैं द्वितीय फोकस, जिसे F2 से दर्शाते हैं, कैपिटल F1 और कैपिटल F2 से, क्लियर हुआ। तो प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस क्लियर हुए। नेक्स्ट है फोकस दूरी, क्या होगी फोकस दूरी, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है कि फोकस दूरी क्या होगी, फोकस बिंदु एफ व प्रकाशिक केंद्र ओ के मध्य की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं, क्लियर है। जो कि उत्तल के लिए तो कैसी होगी, धनात्मक, और अवतल के लिए कैसी होगी, ऋणात्मक, वही चिन्ह परिपाटी लगेंगे अपने पास में,
ठीक है, उनके अनुसार अपन इसको देखेंगे। ये भी दो प्रकार की होती है, प्रथम फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी तो हो जाएगी प्रथम फोकस दूरी, जिसे एफ वन स्मॉल एफ वन से बिंदु को कैपिटल एफ वन से, दूरी को स्मॉल एफ वन से, और प्रकाशीय केंद्र और द्वितीय फोकस बिंदु के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ टू से दर्शाते हैं। क्लियर है? तो प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी, और मुख्य फोकस दूरी जो होती है वो द्वितीय फोकस दूरी को ही कहते हैं अपन। तो जो मुख्य अपन लेते हैं वो मुख्य फोकस दूरी कौन सी होगी, वो होगी द्वितीय फोकस दूरी एफ टू, इसी को अपन एफ से लिखेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है फोकस तल। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होगी? फोकस तल। तो फोकस तल क्या होगा भाई? फोकस बिंदु से होकर जाने वाले एवं मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। जैसे कि मान लो कि ये है, ठीक है, और ये फोकस बिंदु प्रकाशीय केंद्र, ये फोकस बिंदु F1, ये फोकस बिंदु F2, तो इससे कोई तल गुजरेगा जो कि मुख्य अक्ष के क्या होगा, लंबवत होगा। मुख्य अक्ष के क्या होगा? लंबवत। ये कोई तल है मान लो, ये लंबवत इनसे गुजर रहा है, तो ये तल क्या कहलाएगा? फोकस तल। तो फोकस तल समझ में आया क्या होगा? कि फोकस बिंदु से होकर जाने वाले एवं मुख्य अक्ष के लंबवत तल को क्या कहेंगे? फोकस तल कहते हैं। क्लियर हुई बात है? तो ये फोकस तल। तो ये कुछ परिभाषाएं थी, कुछ लेंस के बारे में इंट्रोडक्शन था, कुछ परिभाषाएं थी जो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? ध्यान में रखनी है और इनको याद भी आपको रखना है फॉर योर इंट्रोडक्शन। ओके, लेंस के लिए आपको इनको ध्यान में रख लेना। अब नेक्स्ट जो अपने टॉपिक्स आएंगे वो काफी महत्वपूर्ण है, तो अगली क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है आपको। पहले आप इसको पढ़ें, उसके बाद नेक्स्ट क्लास को जरूर पढ़ें, क्योंकि वहां से आपको 101% क्वेश्चन मिलेगा। तो कल अपन टॉपिक पढ़ेंगे पतले लेंस द्वारा अपवर्तन, उसका दूसरा नाम है लेंस निर्माता सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी से मिलेगा आपको लेंस का सूत्र। तो ये कल पढ़ेंगे अपन कल की क्लास में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करनी है, सभी को अपनी क्लास देखनी है। क्लियर है? समझ में आया? ओके, तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और जो भी डाउट्स हैं उनको आप ही कमेंट बॉक्स में पूछें। ओके, धन्यवाद।